पर छात्राएं चढ़ी हुई हैं और यहां पर चढ़कर लगातार विरोध अपना दर्ज कराया जा रहा है। 3 जनवरी से 13 जनवरी तक ये भर्ती परीक्षा होनी है, जिसे लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है और सरकार की तरफ से इसके आगे बढ़ाने की जो मांग आरपीएससी ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया था। वहीं अब परीक्षा केंद्र को लेकर भी नाराजगी यहां पर परीक्षार्थियों की बताई जा रही है। 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पर जो सेंटर्स हैं वो दिए गए हैं, जिससे लेकर अब नाराजगी जताई जा रही है। कड़कड़ाती ठंड के बावजूद पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। लगातार इन छात्राओं को समझाइश के भी प्रयास किए गए हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। देखो, ये स्कूल व्याख्या था भर्ती में 7 से 8 लाख बेरोजगार इसके एग्जाम दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जो दिव्यांग थे जिनको गृह जिले मिलता था उसको संभाग से बाहर सेंटर दिए गए। इसके अलावा जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, कहीं के तो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 500 से 700 किलोमीटर उनको वो सेंटर दिया गया, वो कैसे जाएगी, कहां रुकेगी, ये समस्या होगी। ललित जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ललित, जो तमाम समझाइश की कोशिश है, क्या वो अभी तक कामयाब हो पाई है? जी बिल्कुल सुमित, अगर समझाइशों की कोशिश की बात करें तो समझाइशों की कोशिश पूरी तरीके से नाकाम रही है। कल रात को हालांकि सरकार ने वार्ता की पेशकश की थी, लेकिन बेरोजगारों ने वार्ता से साफ इनकार कर दिया था। बेरोजगारों का यही कहना था कि अब वार्ता नहीं, उनको परिणाम चाहिए। तो जो छात्राएं पानी की टंकी पर चढ़ी हुई हैं, वह अभी भी पानी की टंकी पर ही हैं। इसके साथ ही नीचे पानी की टंकी के नीचे तकरीबन 30-40 छात्राएं हैं, जो किसी को भी पास में नहीं जाने दे रही हैं। वहां न तो जाल लगाने दिया जा रहा है और न ही अन्य किसी व्यक्ति को पास में जाने दिया जा रहा है। यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी टंकी के नजदीक नहीं जाने दिया जा रहा है। ऐसों में अब 3 तारीख से परीक्षाएं होनी है, 2 दिन का समय शेष बचा है। ऐसे में परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर जो आंदोलन है उसको और उग्र करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सुमित, हालांकि जो सरकार है वो पहले ही साफ कर चुकी थी और 3000 नए पदों की घोषणा भी कर चुकी है, ऐसे में अब अभ्यर्थियों द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है इसको लेकर सरकार थोड़ी गंभीर नजर आ रही है। सरकार, जब शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से इस संबंध में बात हुई तो उन्होंने साफ कर दिया था कि किसी भी प्रकार से अब परीक्षाओं की तिथियों में फेरबदल नहीं होगा। परीक्षाएं 3 जनवरी से 13 जनवरी तक पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है कि तारीख जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी, 3 तारीख से 13 तारीख के बीच में ही परीक्षाएं होंगी और जो लगातार विरोध का दौर है यहां पर अभ्यर्थियों की तरफ से वो थमता नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए।